हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगुनी। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने यहाँ पे बैगन को अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद मैंने देखिए पतला काट लिया है। मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है और 2 बड़ी चम्मच चाल का आटा लिया है, और साथ ही साथ हम इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर देंगे और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, और बेकिंग पाउडर को भी ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे, और हमें बैटर को स्मूथ बनाना है, ज़्यादा इसको पतला नहीं बनाना है फ्रेंड्स। नमक भी ऐड कर देती हूँ फ्रेंड्स। बैटर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, देखिए आप देख सकते हैं। इसको रख देंगे। कढ़ाई में मैंने तेल को गरम कर लिया है। अब चलिए छान लेते हैं बैगन को। तो इस तरह से हम बैगन को लपेटेंगे बेसन में, इसके बाद हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसी तरह से हम सारे बैगन को फ्राई कर लेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है फ्रेंड्स, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाता है खाने में। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए अब इसको पलट लेते हैं फ्रेंड्स, और इसको मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे बैगनों को हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए मैंने फ्राई कर लिया फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।